आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ पूजा वर्मा। बिहार में अनलॉक शुरू होते ही लगातार सड़कों पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है और लोग लापरवाही बरत रहे हैं। इसको लेकर तस्वीरें भी सामने आई। ज्यादातर लोगों के चेहरे पर ना ही तो मास्क थे और ना ही अगर मास्क दिख भी रहे थे तो नाक से नीचे। यहाँ तक कि सोशल डिस्टेंसिंग को लोग भूलकर बड़े ही मजे से बाजारों में घूमते हुए नजर आए। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा बिहार में अनलॉक की शुरुआत कर दी गई है। इस बीच लगातार जो दुकानदार हैं उन्होंने अपनी दुकानों को खोला और सड़कों पर लोग इस कदर टूट पड़े कि बस लोगों को देखने को मिल रहा था जाम और लोग देखने को मिल रहे थे सड़कों पर। लगातार लोग जो हैं वो सड़कों पर भीड़ इकट्ठा कर रहे थे, सामान खरीदने के लिए लोग निकल रहे थे। कई ऐसे लोग दिखाई दिए जिन्होंने मास्क तक नहीं पहना था। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो बाजार में निकल पड़े हैं। कई लोगों के चेहरे पर मास्क है, कई लोग जो हैं वो बेवजह सड़कों पर घूमने आए हैं। हालांकि जो नियम का पालन लोगों को करना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं और लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। ऐसे में सरकार क्या दोबारा से लॉकडाउन लगाने पर विचार करेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है क्योंकि ये छूट मिलते ही लोगों ने इसका गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया है। मास्क तो छोड़िए, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं और लोगों के बीच किसी तरीके का डर अब कोरोना को लेकर नहीं है। हालांकि तीसरी लहर का जो प्रकोप है वो काफ़ी भयावह होगा, जैसा कि हमारे साइंटिस्ट ने कहा है, हमारे वैज्ञानिकों ने कहा है, लेकिन फिर भी लोगों के बीच कोई खौफ नजर नहीं आया। तस्वीरों में देखिए कैसे लापरवाही कर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं। मास्क न लगाना छोटी सी लापरवाही परिवार और समाज पर भारी पड़ सकती है। वहीं सावधानी बरतते हुए कोरोना को हराया जा सकता है, लेकिन लोगों को अब तक ये बातें समझ नहीं आई। तस्वीरों को देखिए और खुद सोचिए और समझिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।